नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा छः की जो पाठ्य पुस्तक रुचिरा है उसका आज 13वां जो पाठ है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए, इस जो 13वां हमारा जो पाठ है उसका नाम क्या है, विमान यानम रचयाम। विमान यानम रचयाम यानी कि क्या है, इसमें हवाई जहाजों की रचना के लिए बताया गया है कि हवाई जहाजों की रचना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि राघव माधव सीते ललिते, यानी कि ये जो राघव है, माधव है, सीता है और ललिता जो है वो क्या कर रहे हैं, विमानों की रचना को कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, विमान यानम रचयामः, यानी कि विमानों की क्या कर रहे हैं, रचना को कर रहे हैं। ठीक है, नीले गगने विपुले विमले, यानी नीले गगन में जो है विस्तृत और जो विस्तार जो है, जो विस्तार में फैले हुए हैं वो वायु विहारम, और वायु में विहार जो है वो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नीले कमल में वो जो विमान है वो क्या कर रहे हैं, विस्तार से पूरे जो आत्मा गगन में, पूरे आसमान में जो है वो विस्तार से वायु विहारम करे बाबा, और वो जो वायुयान जो है, विमायमान जो है वो नीले गगन में वायु का विहार जो है वो विस्तार से हमें, विस्तृत रूप से हमें विहार करवाते हैं। ठीक है, उन्नत वृक्षम तुंग भवनम। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर उन्नत वृक्षम यानी कि जो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है, तुंग ऊंचे ऊंचे जो भवन है, कात्वाम काशम खलु यामा, और उनको देख करके और हम जो है वो पूरा जो है वो आकाश जो मार्ग है उससे हम निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, कृत्वा हिमवंत सोपानम। ठीक है, कृत्वा हिमवंत, और जो हमारी जो हिमवंत है, बर्फ की जो सीढ़ियां हैं, जो बर्फ की जो सीढ़ियां हैं उनको पार करते चंद्र लोकम प्रवेशाना, और उनको पार करके चंद्र लोक में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ये जो चारों जो मित्रगण हैं, राघव माधव सीते ललिते, सीता और ललिता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विमायमान, वो विमानों की जो हवाई जहाज जो होते हैं उनकी रचना के बारे में बता रहे, रचना कर रहे हैं। ठीक है, नीले गगन में और विपुल विस्तार से कायसो जो वो विहार कर रहे हैं, और ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं और ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं उनको कायसो जो ऊपर से हम विहार को करते हुए हम जा रहे हैं, और जो बर्फ की जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उनसे हम निकलते हुए उन पर, उनको पार करते हुए चंद्रलोकम, और चंद्रलोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि शुक्रश्च चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गणयामः, यानी कि और विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मुक्ति कहारम रचयामः, यानी कि यहां पर ये कह रहे हैं कि शुक्र चंद्रमा, सूर्य और गुरु इत्यादि जो ग्रह हैं वो सर्वान गणयाः, सभी की गणना करके सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो ग्रह हैं उन सभी की हम रचना करके, और विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, और विविध तारों को देख करके मोक्तिक हारम, मोतियों की माला जो है उसको, मोक्तिक हारम का मतलब क्या होगा दोस्तों, मोतियों की माला। ठीक है ना, रचयाव, और विभिन्न जो सुंदर तारे हैं उनसे हम मोतियों की माला जो है उसकी रचना जो है वो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं
कि जो भी सूर्य चंद्रमा शुक्र इत्यादि जो ग्रह हैं उनको हम उन सभी की हम गणना करके और विविध सुंदर तारा से जो विभिन्न जो सुंदर जो तारे हैं उनकी जो उनको देख करके और मोक्ति हारम रचयावह और मोतियों की रचना को हम कर रहे हैं। अम्बुद मालाम अम्बर भूषण यानी कि अम्बुद मालाम अम्बर भूषण यानी आकाश में जो है वो माला जो है तारों की जो माला को बना करके अंबर उसको विभूषित अंबर को जो विभूषित करके आकाश को विभूषण करके अदाही प्रत्याम और उनको अर्पण करके है ना दुखित पीड़ित कृष्ण के जनाना ग्रहेशु हर्ष जनयामः यानी कि दुख और पीड़ा से जो कृषि जन थे वो अपने ग्रह के लिए हर्ष से जो है वो जनयान और जन की जो है यात्रा करके अपने घर के लिए आ गए। यानी कि यहाँ पर ही कह रहे हैं जो हमने जो माला बनाई है जो अम्बू जो माला यानी कि अम्बू की जो माला बनाई है ना उसको जो है अंबर यानी कि उसमें आकाश को जो है विभूषण करके विभूषित करके और उसको अर्पण करके उसके बाद में हम क्या है प्रति आगे और दुखित जो है दुखी जो कृषि जन है दुख और पीड़ा से जो कृषिक जो लोग हैं कृषि से करने वाले जो लोग हैं ग्रह सुहर्ष जन है और हम जो है वो अपने घर के लिए वो हर्ष से जो है वहाँ पर लौट करके आए हैं। यानी कि इस पाठ में जो है वो हमें यह बताया गया है कि हम जो है वो हवाई जहाज जो है यान जो है उनसे सभी ग्रहों की जो है क्या बोलते हैं यात्रा करके और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे जो हैं ग्रह मकान जो हैं उनसे ऊपर जा करके और हम जो है विभिन्न तारों के जो है दर्शन करके देख करके उनकी माला को देख करके यहाँ पर आ गए हैं और इसके बाद में हमें जो है वो दुखे तो जो कृषि जन जो है वहां पर अपने घर में हम आ करके और बड़े हर्ष के साथ हम क्या है जो उनको उस चीज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों इनकी जो हमारा जो विमायमान जो पाठ था वो त्रयोदश जो पाठ है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम और पाठों के बारे में चतुर्दश पाठ इत्यादि इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद।